गाइस वेलकम बैक टू न्यूज़। तो आज की हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में, सूर्य कुमार यादव के बारे में, देन हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में और बहुत कुछ मिलकर आपको आज की वीडियो करते जरूर देखना। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले हम बात करने वाले टीम इंडिया हॉकी के बारे में। तो गाइस कुछ ही दिन पहले हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। टीम इंडिया का पहला मैच था स्पेन के साथ। श्रीजेश पीआर ने एक ट्वीट डाला था, लव टू सी द क्लीन सीट वन स्टेप एट अ टाइम। तो गाइस उन्होंने फुल टाइम स्कोर दिखाया, आप देख सकते हैं कि इंडिया 2-0 से जीत चुकी है मैच। नेक्स्ट हम बात करने वाले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। तो गाइस अभी जो न्यूज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया ने एक सीरीज खेलने से मना कर दिया अफगानिस्तान के साथ, उसी पर रिएक्ट करते हुए स्पोर्ट्स बेस ने एक ट्वीट डाला था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद नबी सेड व्हाई डिड ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स इन द T20 वर्ल्ड कप बिकॉज दे वांटेड 2 पॉइंट्स, व्हाट विल दे डू इन वर्ल्ड कप इन इंडिया। मोहम्मद नबी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में इसलिए खेला था क्योंकि उन्हें 2 पॉइंट्स चाहिए थे। अब ये देखना है कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में क्या हमारे साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ODI T20 सीरीज के बारे में। तो गाइस BCCI ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है स्क्वाड्स के बारे में। आप स्क्रीन पे स्क्वाड देख सकते हैं। पहला स्क्वाड आपको ODI का दिख रहा होगा जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, देन विकेटकीपर के तौर पर KS भर को दिया गया है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, देन विराट कोहली भी शामिल है और बॉलिंग में वही मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, देन कुलदीप यादव, देन सेकंड लिस्ट आप देख सकते हैं जो कि T20 सीरीज की है। इसमें कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई है, देन वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, देन विकेट कीपर ईशान किशन है। इसमें सारे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पृथ्वी शॉ की वापसी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद पृथ्वी शॉ को चांस मिला टीम इंडिया में खेलने का। देन गाइस नीचे बताया गया कि KL राहुल एंड अक्षर पटेल वेर अनअवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड होम सीरीज ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स। तो गाइस इसके साथ BCCI ने एक और स्क्वाड अनाउंसमेंट किया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। इसमें देख सकते हैं कि रोहित शर्मा कप्तानी है, KL और वाइस कैप्टन है, विराट कोहली है, पुजारा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्य कुमार यादव ने T20 में बहुत लंबे छक्के मारे, बहुत रिकॉर्ड बनाए, अब इनको थोड़ा रोक के खेलने कहा गया है। इसी पर रिएक्ट करते हुए क्रिक इन्फो ने एक ट्वीट डाला था, सूर्य कुमार यादव इंक्लूडेड इन टेस्ट स्क्वाड फॉर फर्स्ट 2 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।